दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp के एक सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसको आप यूज करके आप एक मोबाइल नंबर से दो WhatsApp यूज कर सकते हो। यानी अगर आपके पास मोबाइल नंबर एक है, नंबर एक ही है, फोन दो है, आप दोनों फोन में सेम नंबर से WhatsApp को यूज करना चाहते हो, WhatsApp को चलाना चाहते हो, तो दोस्तों आप ट्रिक को यूज करके एक ही नंबर से दोनों फोन में WhatsApp को चला सकते हो। आपका जो WhatsApp है वो लॉग आउट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि नंबर हमारे पास एक ही होता है, फोन दो होता है, तीन होता है, और हम सभी फोन में सेम WhatsApp यूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप ट्रिक को यूज करके एक ही नंबर से दो तीन चार WhatsApp चला सकते हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको दो ऐसे तरीके बताता हूं जिसको आप यूज करके आप एक मोबाइल नंबर से दो WhatsApp यूज कर सकते हो, यानी सेम नंबर से दो फोन में WhatsApp को चला सकते हो। ठीक है, आप यहां पर ये दो फोन देख सकते हो। ठीक है, ये जो WhatsApp है हम इस फोन में चलाएंगे। ठीक है, कैसे चलाना है? सबसे पहले आपको WhatsApp को ओपन करना है। जब आप WhatsApp को ओपन करोगे तो दोस्तों आपको यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, एरो पर टैप करना है। ठीक है, एग्री एंड कंटिन्यू करना है, अलाउ करना है। ठीक है, अब आपको मोबाइल नंबर नहीं डालना है, आपको थ्री डॉट पर टैप करना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, लिंक ए कैंपेन डिवाइस, आपको इस पर टैप करना है। अब दोस्तों आपको एक QR कोड शो हो जाएगा। ठीक है, आपको दूसरा वाला फोन लेना है, WhatsApp को ओपन करना है। ठीक है, WhatsApp को ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट पर टैप करना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, लिंक डिवाइसेस, आपको इस पर टैप करना है। इसके बाद आपको लिंक ए डिवाइस पर टैप करना है, यूज मोबाइल डेटा पर टैप करना है, और दोस्तों आपको फिंगर लगाना है। ठीक है, अब आपको इस QR कोड को इस तरह स्कैन करना है, आपको QR कोड को स्कैन करना है। अब दोस्तों आपका जो WhatsApp है दोनों फोन में चलने लगेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आप यहां पर देख सकते हो दोनों फोन में सेम WhatsApp चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह बहुत ही आसानी से एक नंबर से दो WhatsApp यूज कर सकते हो। अगर आपके पास एक नंबर है, डबल मोबाइल है, तो दोस्तों आप सेम नंबर से दोनों फोन में WhatsApp को चला सकते हो। आप देखो सेम नंबर से दोनों फोन में WhatsApp चल रहा है। अगर आप लॉग आउट करना चाहते हो, आप हटाना चाहते हो, सिंपली आपको थ्री डॉट पर टैप करना है, आपको थ्री डॉट पर टैप करना है, लिंक डिवाइसेस पर टैप करना है। ठीक है, आपको यहां से इस तरह लॉग आउट कर देना है। आप देख सकते हो लॉग आउट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये तरीका है एक मोबाइल नंबर से दो WhatsApp यूज करने का। ठीक है, दो WhatsApp चलाने का, देखो लॉग आउट हो चुका है। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका है ये भी काफी ज्यादा जरूरी है, काफी यूजफुल है। ठीक है, देखो अगर आपका जो दूसरा फोन है उसमें पहले से WhatsApp चल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर एक WhatsApp चल रहा है पहले से। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये जो WhatsApp है इस फोन में भी चले, तो दोस्तों आपको दूसरा तरीका यूज करना है। आपको करना क्या है, थ्री डॉट पर टैप करना है, सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट, आपको इस पर टैप करना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अकाउंट का, आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, इस पर आपको टैप करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अकाउंट, आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, जब आप इस पर टैप करोगे आपको यहां पर एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टैप करना है, थ्री डॉट पर टैप करना है, लिंक एज कैंपेन डिवाइस, आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, आपको यहां भी QR कोड शो हो जाएगा, आपको यहां पर QR कोड दिख जाएगा। ठीक है, आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, आपको सेम वही प्रोसेस फिर से फॉलो करना है। ठीक है, अब आपको इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। ठीक है, ये वाला जो WhatsApp है इसमें भी चलने लगेगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आप यहां पर देख सकते हो WhatsApp लॉगिन हो चुका है। ठीक है,
अब मान लो कि आपको पहले वाला व्हाट्सअप भी चलाना है, पहले वाला व्हाट्सअप भी चलाना है, आपको थ्री डॉट पर टैप करना है, ठीक है, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आपको टैप करना है, ओके, आपको यहाँ पर दोनों अकाउंट शो हो जाएगा, आपको दोनों अकाउंट मिल जाएगा, जो भी अकाउंट आपको यूज करना है आपको उस पर टिक करना है, वो वाला अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप देखो पहले वाला अकाउंट हमारा ओपन हो गया है, ठीक है, पहले वाला अकाउंट ओपन हो गया है। अगर आपको स्कैनिंग वाला अकाउंट ओपन करना है तो आपको थ्री डॉट पर टैप करना है, सेटिंग्स में जाना है, एरो पर टैप करना है, दूसरा वाला अकाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आप देखो सेम व्हाट्सअप चल रहे, एक ही नंबर से दो व्हाट्सअप चल रहे, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका है एक नंबर से डबल व्हाट्सअप चलाने का, बिल्कुल जेन्युइन तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आपके पास व्हाट्सअप जो है उसमें पहले से अकाउंट लॉगिन है, आप एक और अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो, तो दोस्तों आप सेकेंड वाला फीचर यूज कर सकते हो। अगर आपके व्हाट्सअप में, आपके व्हाट्सअप के अंदर कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं है, तो दोस्तों आप पहला वाला फीचर यूज कर सकते हो, पहला वाला तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।